हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोटस सिल्क। लोटस सिल्क, लोटस मतलब कमल और सिल्क आप जानते ही हैं, एक शानदार कपड़ा है, शानदार फैब्रिक है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लोटस सिल्क। और लोटस सिल्क के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि काफ़ी महंगा है और काफ़ी मेहनत के बाद इसे जो है इसको बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। विश्व के कुछ ही देशों में इस पर काम हो रहे हैं अभी, और आगे आने वाले वक्त में इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च होने की संभावनाएं हैं। आइए हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि लोटस सिल्क क्या है, इसे पहली बार किसने बनाया, और इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा क्यों है, इसे लग्जरी फाइबर क्यों कहा जाता है। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल का बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लगातार अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लोटस सिल्क जो है वो दुनिया के दुर्लभ फैब्रिक्स में से एक है। एक्चुअली है क्या कि यह कमल का जो पौधा है, कमल के पौधे के तने से इसको बनाया जाता है, और इसका निर्माण जो है वो मुख्यतः कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम में होता है। वो भी स्मॉल स्केल पे होता है, छोटे स्केल पे इसका होता है। यह एक नेचुरल फाइबर है और दुनिया भर में बहुत कम ही ऐसे कुशल कारीगर हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि इसे निकालने का काम इतना ज़्यादा वक्त लेता है और इतना मतलब मेहनती काम है कि अगर एक स्कार्फ को बनाने के लिए भी अगर ये जिसका रेशम निकाला जाए तो एक स्कार्फ भर के रेशम को निकालने में करीब 2 माह का वक्त बीत जाता है। यह भी एक मुख्य कारण है इसके कॉस्टली होने का। आइए जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है, क्यों इतना महंगा होता है और इसे बनाना किसने शुरू किया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक महिला की 2 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये महिला है फान थाई हुआन। फान थाई हुआन जो है हनोई की रहने वाली, हनोई वियतनाम की रहने वाली है, और इन्होंने ही पहली बार लोटस सिल्क को बनाना शुरू किया। करीब 3 साल पहले इन्होंने इस काम को आरंभ किया, इसके लिए प्रशिक्षण लिया, इस मतलब बनाना इसको आरंभ किया। और कमल के जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं, उनमें जो रेशा होता है, उनमें जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपको स्क्रीन पर वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, उसको बहुत ही सावधानी से निकाल कर उसको सुखाया जाता है और उसको फिर प्रोसेसिंग की जाती है, तब जा कर के ये कॉटन सिल्क कर लेता है। और हाल के वक्त में यह फैशन डिज़ाइनरों के द्वारा पसंद किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है, फैब्रिक है। अब इसे कैसे बनाया जाता है इस पर बात कर लेते हैं। लोटस सिल्क को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हम जानते हैं कि कॉमन सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। सिल्क वॉर्म जो है उसका कैटरपिलर अपने कोकून को बनाता है, और कोकून जो रेशम कीट है वो कोकून बहुत ही सावधानी से रेशे युक्त कोकून को बनाता है, और फिर उसी कोकून से हम रेशम निकाल लेते हैं। अब 1 किलो अगर रेशम बनाना हो तो उसके लिए करीब सैकड़ों कोकून को उबाला जाता है और वहां से फिर रेशम निकाल लिया जाता है। कॉटन सिल्क और कॉमन रेशम, कॉमन सिल्क में फर्क विशेषकर ये है कि सामान्यतः रेशम कीट वो काम कर देते हैं कॉमन सिल्क में, जो काम लोटस सिल्क में इंसान को खुद करना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि लोटस सिल्क के प्रत्येक धागे की शुरुआत कमल के पौधे के तने से होती है। कमल जो है वो वियतनाम का राष्ट्रीय फूल है और एक ऐसा पौधा है जिसकी खेती पूरे देश में होती है। तो एक बार जब इसके तने का चयन कर लिया जाता है कि इसमें से निकालना है, तो उसमें से फिर तने में पतले चिपचिपे रेशे जो होते हैं उनकी बहुत छोटी मात्रा हर तने में होती है, उसको निकाल करके एक साथ रोल किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, और उसके 24 घंटे के भीतर उसको संसाधित प्रोसेसिंग भी किया जाता होता है।
एक्चुअली इससे भाई इसका महत्व इसलिए है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो उनमें टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि कमल के पौधों की कटाई जो है वो प्रतिदिन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बल्क में काट कर रख करके फिर काम किया जाए, क्योंकि प्रोसेसिंग 24 घंटे के अंदर करनी होती है, तो कटाई का काम प्रतिदिन किया जाता है और फिर प्रतिदिन वो पूरा प्रोसेस रिपीट किया जाता है। अगर आप देखें, अगर आप ये देखें कि इसके कटाई से लेकर इसकी पूरी प्रोसेसिंग के बीच की जो प्रक्रिया है ये इतनी कड़ी मेहनत का डिमांड करती है जो अविश्वसनीय है, और ये धागे अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी होते हैं। एक बार सूखने के बाद इन थ्रेड्स को आसानी से वेट किया जा सकता है, तौला जा सकता है और नाजुक रूप से हैंड स्पूल्ड किया जाता है इसको, और फिर उसे लूम में डाल दिया जाता है। थुआन जिन्होंने इसकी खेती पहली बार यह कार्य करना आरंभ किया, आज लगभग 20 महिला कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपने काम के रूप में देखती हूँ, रोजगार उत्पन्न करने और पर्यावरण के लिए अपना काम करने के लिए, साथ ही साथ व्यस्त अवधि के दौरान वो अपने घर से बुनाई के लिए लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को काम भी, रोजगार भी उपलब्ध करवाती हैं। कॉटन सिल्क का अंतिम उत्पाद फाइनली जब वो मतलब बन करके रेडी हो जाता है तो किसी भी फाइबर के वह विपरीत है। यह सामान्य रेशम की तरह जो है सॉफ्ट होता है, नरम होता है, लेनिन फाइबर जो होता है फैब्रिक लेनिन की तरह ब्रेथेबल और थोड़ा लोचदार इलास्टिक भी होता है। इन शानदार लक्षणों ने इसे दुर्लभ स्मृति चिन्ह की खोज करने वाले जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनके लिए लोकप्रिय बना दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांडों के द्वारा लग्जरी फाइबर की खोज के लिए भी इसे नॉमिनेट किया गया था। हालांकि इसका पैमाना, इसके प्रोडक्शन का पैमाना जो है वो काफ़ी सीमित कर दिया गया है, क्योंकि इन रेशम के धागों के निर्माण में अभी बहुत कम लोग ही प्रशिक्षित हो पाए हैं। इस कार्य को पहले बार आरंभ करने वाली ये महिला फान थी हुआन को यह उम्मीद है कि यह स्किल जो है, यह एक तकनीक जो है, यह स्किल जो है एक दिन एक बड़ा उद्योग का रूप अवश्य लेगी। इसमें वृहद संभावनाएं हैं, सैकड़ों लोगों को रोजगार देने की संभावना है और यह अपने आप में उत्कृष्टता का एक शानदार नमूना है। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे दक्ष एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।